हेलो एंड वेलकम बैक एयर इन गाइज। क्या हाल है तो सभी का एक बार फिर से स्वागत है सभी का एक और न्यू पबजी लाइट गेम प्ले वीडियो के अंदर। तो देखो यार, आज के इस वाली गेम प्ले में ना गाइज काफ़ी सारी बैक टू बैक क्लचेज होंगे और यार काफ़ी ज़्यादा इंटेंस वाली फाइट होगी, तो बस यार वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अब यहाँ पे देखो इस वाले मैच के अंदर गाइस मैं उतर जाता हूँ स्टेडियम के अंदर। यहाँ पर मतलब बंदों की बात करूँ ना तो देखो पहले तो मेरे को लगा कि शायद यहाँ पे कोई नहीं आया है, पर जैसे मैं यहाँ पे लूट रहा होता ना तभी देखो सामने से कुछ मेरे को फूसते बातें हैं। काफी डैमेज दिया बंदे को, देखो बंदे के पास जी थ्री होती है, जी थ्री वाले बंदे को नॉक करता हूँ। और मतलब भाई क्या ही बंदे गन्स लेके बैठे थे, मतलब एक के पास जी थ्री थी और भाई दूसरे के पास शॉर्ट गन। अब देखो दो बंदों को फिनिश करते हैं, तभी देखो यहाँ पे ना स्विमिंग पूल की साइड से कुछ गन साउंड्स आते हैं, मतलब शायद से इसके जो टीममेट्स होंगे ना वो उसी साइड होने वाले हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे जी थ्री उठा लेता हूँ, उसके बाद अब जो गन साउंड साइज ने मतलब किसी बॉट को नोक किया था उसका मैं किल यहाँ पे ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो सामने से कुछ ज्यादा ही पुष्ट पा रहे थे, यानी कि पूरा स्क्वाड भी हो सकता है, यानी कि अलग स्क्वाड के बंदे होने चाहिए। तो पहले तो वहां पे देखो फटाफट से हील करता हूँ, तभी देखो अब यार एक बंदा तो इनका रोटेट कर रहा होता, मैं इजीली उस वाले बंदे को नॉक एंड फिनिश करता हूँ। और फिनिश करने के बाद अभी भी देखो बहुत सारी पुष्ट बातें, मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि कोई बंदा यहाँ पे या तो रोटेट कर या पे क्लोज इन करे तो भाई मैं उस वाले बंदे को इजीली मार पाऊंगा। और तभी देखो उन लोगों के आपस में यहाँ पे साइड से फाइट हो जाती, मैं सीधे यहाँ पे जाता हूँ पुश करने के लिए। और इसी के साथ देखो ये होता है इस वाली स्क्वाड का आखिरी बंदा, इसी के साथ यहाँ के सारे बंदे खत्म हो चुके थे। अब इस वाले बंदे को निपटाने के बाद पहले तो फटाफट से लूट करता हूँ। अब लूट करने के बाद जैसे गाड़ी की तरफ आता हूँ देखो सामने यानी कि विलेज की साइड से कुछ गन साउंड्स वगैरह ऑलरेडी आ रहे थे, मतलब बंदे वहां पर। अब जैसे ही देखो मैं यहाँ पे आता हूँ देखो बंदा सामने नोक पड़ा है, सबसे पहले किल चोरी करता। उसके बाद देखो एक और बंदा था जो कि वॉल के पीछे की साइड था, जैसे मैं पुश करने वाला था देखो बंदा ही मेरी तरफ आ रहा था, तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ और भाई इजी नॉक, दो बंदे नॉक हो चुके हैं। तीन बंदे नॉक हो चुके, देखो लास्ट वाला बंदा बचा था जो कि सामने वॉल के पीछे की साइड होता है। अब ये जी थ्री तो मतलब रोड के उस साइड से चल रही थी। इसी के साथ ये वाले स्कोर तो खत्म हो चुके, फिलहाल देखो सामने यानी कि स्क्वाडर्स की साइड से देखो एक जी थ्री चल रही थी। तो मतलब यार शायद से और भी बंदे हैं यहाँ पे, तो पहले तो मैं आप इस वाले बोर्ड को नॉक करता हूँ। अब नॉक करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे कवर में आता हूँ। अब इस वाले घर के ऊपर की साइड जाने के बाद देखो सामने, अब वहां पे देखो बंदे का हेड मेरे को दिख जाता, मतलब बंदे हैं वहां पर। और मेरे को पता था वो बंदा पुश नहीं करेगा, मतलब मेरे को ही जाना पड़ेगा, तो वहां पे मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ एंड उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे क्लोजिंग करता हूँ। जैसे यहाँ पे आता हूँ देखो सामने से कुछ गन साउंड्स वगैरह आ रहे थे, फिलहाल देखो यहाँ पे पास में यहाँ पे पुष्टि बताने की घर के ऊपर की साइड। अब यहाँ पर आने के बाद देखो बंदे के बाद जीत रही थी, सो यहाँ पे मेरे को पहले तो यहाँ पे ग्रेनेड से नॉक करना पड़ेगा। पहला ग्रेनेड बिल्कुल परफेक्ट था, बंदा ना सहन मौके पे भाई वहां से हट जाता है। और भाई इसी के साथ एक बंदे को और नॉक कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक ही बंदा होता है, इसको मैं इजीली फिनिश करता हूँ। अब देखो बंदे ने मतलब तीन तीन सिक्स उठा रखे थे, अब इसको फिनिश करने के देखो स्टेडियम के साइड से कुछ गन साउंड्स आ रहे हैं। हम मैं समझ चुका भाई वहां पर भी बंदे आ चुके हैं, सामने बंदा तो स्पॉट हुआ, बट यहाँ पे मैं स्प्रे भी नहीं दे सकता बिकॉज मेरे पास जीत रही थी। सो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ भाई सिंगल शॉट का, बट बंदा पहले तो वहां से गायब हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लोज इन करने का ट्राई करता हूँ, आप देखो यहाँ पर अचानक से मेरे को सरप्राइज मिलता है। अब एक्चुअल में मेरे को पता ही नहीं था कि बंदा इतना ज्यादा क्लोज इन आ चुका है, एंड ये बंदा तो भाई जादूगर था, तो वहाँ पे मेरे पास अच्छा कवर भी नहीं था। सो इसी के साथ ये वाला मैच तो एंड हो जाता है। एंड अब आते हैं इस वाले मैच के अंदर।
जहां देखो फिर से मैं उतरता अभी स्टेडियम के अंदर। यहां पर मतलब बंदों की बात करूं ना तो देख रहे मतलब नीचे की साइड कुछ फूस्टे वगैरह आ रहे, सो यहां से पहले तो गन उठाता हूं। अब सामने से कुछ ज्यादा ही फूस्टे बाहर थे तो यहां पर देखो पहले पुश करने की बजाय, मेरे को पता था पहले मेरे को एक बंदा नॉक करना पड़ेगा, सो यहां पर आता हूं और फिर देखो पहले बंदे को यहां से एंगल बना के भाई नॉक करता हूं। एक और बंदा आया ना वो शायद से उस वाले बंदे को रिवाइव करेगा, सो यहां पे मैं पुश कर देता हूं। दूसरे बंदे को भी नॉक करता हूं। अब देखो यार स्टेडियम में सिर्फ ये दो ही बंदे आए थे, दोनों को मैं इजीली नॉक एंड फिनिश करता हूं। अब फिनिश करने के बाद सीधा सामने से भाई कुछ गाड़ी उठाता हूं। अब गाड़ी उठाने के बाद अब बंदों को ढूंढते ढूंढते मैं इस साइड से जा रहा था, तभी ना मेरे को इस वाले घर की साइड से कुछ फूस्टे बातें हैं। फिलहाल दो बंदों को नॉक करता हूं, तभी देखो सामने एक और बंदा स्पॉट होता है। अब यहां पे ना मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दिया कि G3 की जगह मैं M4 से स्प्रे देता ना तो भाई बंदा नॉक हो सकता था। फिर देखो उसके बाद थोड़ी देर वेट करता और उसके बाद जैसे ही क्रेट लूटता भाई क्रेट में मेरे को देखो ग्रेनेड मिल जाती है और भाई उसके बाद सीधा मैं अभी ग्रेनेड कुक करता हूं। अब अपना ग्रेनेड तो भाई कभी मिस होता ही नहीं, फिलहाल इजीली नॉक करता हूं। उसके बाद देखो सामने अब ये वाला तो बोट होता है। अब देखो इस वाले स्कोर का अभी भी आखिरी बंदा बचा हुआ था। वो बंदा देखो मेरे को यहां पे मिलता नहीं, फिलहाल सिक्स इन तीनों बंदों को फिनिश करता हूं। फिनिश करने के बाद यहां से गाड़ी लेके अब जा ही रहा होता हूं तभी देखो सामने हिल से कुछ गन साउंड आ रहे थे तो भाई यहीं पे मैं रुक जाता हूं। अब बंदे को स्पॉट करने का ट्राई करता बट बंदा यहां से दिखता नहीं, मैं इस वाले घर में आता हूं। यहां पर आने के बाद देखो हील कर रहा होता हूं तभी मेरे ऊपर यहां पे गाड़ी पुश कर देता है और भाई गाड़ी में होते हैं दो बंदे। फिलहाल दोनों को नॉक करता हूं। जैसे इनको फिनिश करता हूं देखो सामने से भाई साहब मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि वहां पर भी बंदा है एंड उसने मेरे को डैमेज भी दिया। सबसे पहले हील करता हूं तब तक देखो बंदा भी पुश कर देता है। अब जैसे बंदा आ रहा था मैं अभी ग्रेनेड को कूदता हूं तभी देखो एक और गाड़ी रश कर देती है। अब यहां पे ना भाई बैक टू बैक थर्ड पार्टी जो रही थी मेरे को लगा सही शेक के बाहर की साइड अगर बंदा होगा ना तो गाड़ी फटने से नॉक हो जाएगा, पर देखो ऐसा कोई सीन होता नहीं है। अब यहां से पहले तो मैं ग्रेनेड को करता हूं क्योंकि बंदा मेरे को पता शेक के अंदर की साइड होगा और भाई ग्रेनेड सक्सेसफुली एक बंदे को नॉक कर देता। अब आरती पुश करने की अब इसी के साथ ये वाले बंदे भी यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अब बात यार उस हील वाले बंदे की। अब देखो यहाँ पर मेरे पास गाड़ी वगैरह तो कुछ था नहीं तो मैं यहाँ से ना भाई पैदल पैदल करके क्लोज इन कर लेता। मेरे को लगा शायद बंदा यहाँ से निकल चुका होगा बट मतलब बंदा अभी भी यहीं पे लेटा होता। इसी के साथ इस वाले बंदे को निपटाने के बाद देखो अभी एक ही स्क्वाड के बंदे बचे हुए। सो पहले तो मैं यहाँ पे सर्कल के अंदर आता हूँ। सामने देखो कुछ बॉट फायर वगैरह हो रहे थे, मतलब बंदा है वहां पर और यहां पर देखो मेरे को AW मिल जाती है ड्रॉप पे। जैसे AW उठाता हूं पहले बंदे को नॉक करता हूं, देखो दो ही बंदे बचे थे एंड एक बंदा तो हील की साइड से अभी भी टॉमी का साउंड था वो बंदा था और एक तो ये था जिसको मैंने अभी नॉक किया है।
भाई इसको मैं इजीली फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद देखो अब बचा था लास्ट वाला बंदा यानी कि हील के पास वाला बंदा। अब मेरे को भी अभी सर्कल में जाना था तो मैंने सोचा कि चलो भाई पूरा लेफ्ट की साइड से अभी रोटेट करके जाऊंगा, पर देखो बंदा ही मेरे को मिल जाता है। और भाई इसी के साथ अपना हो जाता है चिकन है। तो गाइस होपर वाला गेम प्ले भी तुम्हें पसंद आया, पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।